गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. तो टुडे इज आवर लास्ट टॉपिक. हार्डली आपका 20 से 25 मिनट आधा घंटे का एक बचा हुआ है. आई होप सो मैंने जितना भी आपको सॉल्यूशन में पढ़ाया होगा वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे. एंड प्लीज़ इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आए ना बेटा, अगर आपको लगता थोड़ा हेजिटेशन हो तो प्लीज़ बेटा आप व्हाट्सएप पर मुझे आप पर्सनली कॉन्टेक्ट करिए. इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि ये जो टाइम अगर आपको बीत गया ना बेटा फिर वो दोबारा नहीं आने पाता. तो जो आपने गलती पहले में किया है लॉकडाउन में, तो प्लीज़ उस गलती को दोबारा ना दोहराएं. हर लेक्चर को अच्छे से देखें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ठीक है. उससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, इसमें रिक्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है. चलो अब मैं बात करता हूँ. देखो हमने क्या किया, हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि सैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड होगा, सुपर सैचुरेटेड होगा, ठीक है. अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो हमने सॉल्यूशन को हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोटिक प्रेशर. मैं बात करूँगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो पहला होता है मेरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ये आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा हुआ है, फिर भी आप रिपीट करके आप देख सकते हो. आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या सेम हो, तो क्या बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हैव सेम कंसंट्रेशन, एंड हैव सेम कंसंट्रेशन, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. मतलब पाई टू बराबर पाई टू होगा तो तीन बातें हो जाएंगी. इसका मतलब सी वन बराबर सी टू होगा, दो का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर. इसका मतलब क्या है, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर तभी ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है. लेकिन ये केस कब होगा, जब दोनों मेरे क्या होंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे. दोनों सोल्यूशन मेरे किस टाइप के नॉन इलेक्ट्रोलाइट. अगर आपने एक इलेक्ट्रोलाइट या दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिया तो इसको तो ऐसे भी सी टू लिखोगे, लेकिन इसको आई इन टू सी वन कर दोगे. और अगर एक इलेक्ट्रोलाइट या दूसरा भी इलेक्ट्रोलाइट लिया तो आई वन सी वन बराबर क्या हो जाएगा, आई टू सी टू. तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी. अगर वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल रहा है तो कैसे सॉल्यूशन है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट है या दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो एक इलेक्ट्रोलाइट है या एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इन बातों का ध्यान रखना. अगर जो भी होगा जिस कंडीशन में उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, ठीक है. दूसरा क्या होता है मेरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं हाइपोटोनिक बोलते हैं. और तीसरा क्या होता है हाइपरटोनिक, क्या होता है हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब ये मैं मान के चल रहा हूँ वाले तो आपका नहीं करता सकते, मतलब आप ऑलरेडी ये चैप्टर कवर कर चुके हैं. तो सॉल्यूशन हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम क्या बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है. जैसे मान लो अगर ये है सॉल्यूशन, इसका एसपीएम से डिवाइड कर दिया मैंने, और यहाँ पे सॉल्यूशन वन है, और यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है मेरा टू है, सी वन और सी टू है, सी वन इज ग्रेटर देन सी टू. इसका मतलब ये क्या होगा हाइपरटोनिक होगा, ये हाइपर होगा, ये क्या होगा हाइपो होगा. याद करने का तरीका सर, आप किसी किसी गुस्सा हो जाता है तो क्या बोलते हैं, अरे हाइपर क्यों हो रहा है भाई, अब तो क्या हाइपर मतलब ज़्यादा हो गया, गुस्सा ज़्यादा आ गया ना, उसको हम इसे हाइपर बोलते हैं. जैसे सिंपल था, जिसका जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो हाइपर होगा, जिसका कम होगा वो हाइपरटोनिक होगा. आपने थोड़ा बहुत ये भी पढ़ा होगा स्विंग और स्वेल, स्विंग और स्वेल. भैया स्विंग कौन सा सॉल्यूशन होगा, स्विंग वो होता है मतलब स्विंग कब होगा, जब लॉस ऑफ फ्लूइड होता है. फ्लूइड क्या होगा लॉस होगा, वो किस में से होता है हाइपो में से होता है. और गेन ऑफ स्वेल कब होगा, जब फ्लूइड का क्या हो जाता है गेन हो जाता है, तो वो किस में होता है हाइपर में होता है. इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको इस बात समझाऊँ, तो आपने ये देखा होगा कि हम जो भी डॉक्टर जब हमें इंजेक्शन लगाता है तो जो वो लिक्विड रहता है, तो जो भी वो लिक्विड इंजेक्शन के अंदर है तो वो आइसोटोनिक होता है हमारे ब्लड से. अगर आइसोटोनिक नहीं होता तो क्या हुआ, सपोज करो आपने क्या किया हाइपोटोनिक वाला सॉल्यूशन डाल दिया, तो ब्लड का उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है और हाइपोटोनिक वाले सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा हाइपोटोनिक से जो भी सॉल्वेंट होगा वो आई इसके अंदर जाएगा, आईबीसी के अंदर जाएगा, सॉरी लॉस ऑफ फ्लूइड. तो जो भी ब्लड सेल होगा ना, ब्लड सेल क्या करेगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे क्या होगा मूवमेंट कहाँ से होगा सी टू से सी वन की तरफ होगा, राइट, मतलब हाइपो से हाइपर की तरफ होगा. इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो हाइपर जो ब्लड सेल होगा वो मेरा क्या हो जाएगा स्वेल करेगा. क्यों, आपने हाइपो डा तो हाइपो का जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा वो सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, है ना, मतलब ब्लड के अंदर जाएगा, तो आरबीसी क्या हो जाएगा स्वेल कर जाएगा, ठीक है.
आरबीसी क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, मतलब गेन ऑफ ब्लड होगा उसका फ्लूड, क्योंकि ब्लड आपका क्या हाइपर है और जो आपने सॉल्यूशन डाला, मानो जो भी आपने सलाइन वाटर चढ़ा, वो सलाइन वाटर का सपोज करो आपका हाइपोटोनिक है और ब्लड आपका हाइपर है, तो ऑब्वियस बात है सलाइन वाटर हाइपर, तो वहाँ का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आरबीसी सेल के अंदर जाएगा, तो आरबीसी आपका क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो आपने क्या क्या कोई सलाइन वाटर हाइपरटोनिक बनाया, हाइपर बनाया और ब्लड आपका हाइपो है, तो इसका मतलब क्या होगा, ब्लड से जो फ्लूड होगा वो कहाँ जाएगा, सलाइन में जाएगा, मतलब आरबीसी क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल आप जो हम आम बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, कच्चे आम को पहले हम काटते हैं, हल्दी का लगाते हैं, उसको नमक वाले पानी में सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर देते हैं, और नमक वाले पानी का सॉल्यूशन का क्या है भैया, वो हाइपर है और ये वाला क्या हाइपो है, आम क्या हाइपर, तो आम के जो अंदर का जो भी पानी होगा, जो भी कड़वापन होगा, वो सारा का सारा निकल जाता है और इस वजह से वो आम क्या होता है, सिकुड़ जाता है, श्रिंक कर जाता है, क्योंकि वो हाइपो है तो श्रिंक करेगा। और या वैसे समझो जो किशमिश होता है, किशमिश क्या होता है, जब भी आप पानी या खीर में डालते हो तो देखो किशमिश फूल जाती है, इसका रीज़न क्या है, किशमिश में शुगर का जो क्वांटिटी होता है वो ज़्यादा होता है, इट इज़ हाइपर, तो क्या करेगा, जो भी बाहर का पानी होगा वो अपने अंदर क्या करता है, डिसॉल्व कर लेता है, इस वजह से क्या करता है, स्वेल कर जाता है। तो ये आप बेटर समझ चुके होंगे, ये सब चीज़ें आप पहले जो भी पढ़े होंगे, ठीक है। बेटर हम ये क्वेश्चन करते हो ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका 5% WBV सॉल्यूशन ऑफ पैन, 5% WBV सॉल्यूशन ऑफ एन अननोन सॉल्यूट, ऑफ एन अननोन सॉल्यूट, ऑफ एन अननोन सॉल्यूट इज आइसोटोनिक विद, इज आइसोटोनिक विद, इज आइसोटोनिक विद 6% WBV सॉल्यूशन, 6% WBV सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, क्या कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अननोन, क्या बोला, मोलर मास आपको निकाला, अननोन सॉलिड का मोलर मास निकाला, इसका मतलब आइसोटोनिक है तो पाई के बराबर क्या हो जाएगा, पाई। अब देखो यहाँ पे मुझे सॉलिड नहीं पता कि इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो मैं समझ के चलो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इलेक्ट्रोलाइट होता तो कुछ ना कुछ आपको दिया होता आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू मैं बंदी मान के चलो सीधे बराबर क्या होता है, सीधे क्यों, क्योंकि ग्लूकोज का भी आई की वैल्यू क्या होता है, होता है 5% WBV का फॉर्मूला, मोलरिटी का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर सी मेरे क्या होता है मोलरिटी होता है, तो WBV इंटू 10 बाय मोलर मास ऑफ सॉलिड और क्या होगा 6 × 10 बाय मोलर मास ऑफ लिक्विड होता है, तो यहाँ से आपको क्या कर सकता है, एम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 ऑफ Na2SO4 इज आइसोटोनिक विद, इज आइसोटोनिक विद, इज आइसोटोनिक विद, इज आइसोटोनिक विद 0.1 mm सॉल्यूशन, 0.1 mm सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ऑफ ग्लूकोज at same temperature, at same temperature, ठीक है, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4। अब देखो एक बात है, ये यहाँ पर हमें कौन सा वाला लगेगा, यहाँ पर हमें ये वाला लगेगा, क्यों, एक सॉल्यूशन आपका इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा सॉल्यूशन क्या आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आई सीवन बराबर क्या होगा, सी टू आई इंटू कंसंट्रेशन का दिया 0.04, सीवन का कितना दिया 0.1, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1 by 0.04, और ये जो भी वैल्यू आई रिलेटेड है इसको 1 + n − 1 × α करके आप कर दो इक्वेट, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो अल्फा, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो, तो यहाँ पे मेरा एंड ऑफ द टॉपिक होता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बात करेंगे वो हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि भैया उनको फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है। हालांकि उसके एग्जांपल आपको दिए हुए, जैसे कि हम जैसे देखो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, ठीक है, अगर सॉल्वेंट में सॉलिड 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 दे रहा हूँ, सॉलिड एक बार सॉलिड लिया, एक बार लिक्विड लिया, एक बार गैस लिया, एक बार मैं सॉल्वेंट दे रहा हूँ लिक्विड लिक्विड लिक्विड, एक बार सॉलिड दे रहा हूँ सॉलिड लिक्विड एंड गैस, एक बार गैस 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 सॉलिड लिक्विड और गैस, इनके बड़े कभी कभी नीट में तुम्हारे क्या होता है डायरेक्ट एग्जांपल, तो ये सॉल्यूशन किसका अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो इनको हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं, ये टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है।
साथ में क्या करते हैं एग्जांपल याद करते हैं ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें जो भी चैप्टर सॉल्यूशन करना है तो ये वाला पार्ट तो मैंने खत्म कर दिया। रॉल्स लॉ इन सेकंड केस का रॉल्स लॉ क्या था, जब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन मिक्स करते हो तो पी नॉट ए पी नॉट बी मिलता था, जब सॉलिड लिक्विड मिक्स करते तो क्या होता था, RLVP होता था। ये दो इस तरह खत्म हो चुका है, बस एक केस बचा आपका गैस एंड लिक्विड, जो इसी को हम हेनरीज लॉ भी कहते हैं। तो अब यहीं पे बात करते हैं, बस आपसे रिक्वेस्ट ये इनके बस एग्जांपल याद रखना, कभी कभी डायरेक्ट एग्जांपल पूछे जाते हैं कि सॉलिड है तो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो जो एनसीईआरटी में जो दिया वो चार्ट को प्लीज एक बार रिमेंबर करिएगा, हालांकि उसमें कोई लॉजिक नहीं था, ये आपको बस याद करने की चीज़ें ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, अब हमें जो अब मैं जो कवर करूँगा वो कौन सा चीज़ें कवर करूँगा, एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन ये पढ़ाऊंगा मैं, एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन ये पढ़ाऊंगा, एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन मैं ये पढ़ाऊंगा। बाकी ये और ये हम कवर कर चुके हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये बस एक एग्जांपल याद रखिएगा ठीक है। चलिए सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अगर हम बात करो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में तो पहला क्या आता है, सॉलिड इन सॉलिड। तो जब भी किसी सॉलिड को आप दूसरे सॉलिड में मिक्स करते हो, अगर वो होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाता है तो उस होमोजीनियस सॉल्यूशन का हम एलॉयज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एलॉयज बोलते हैं। तो व्हेन टू सॉलिड्स आर मिक्स टुगेदर, when two solids are mixed together homogeneously two solids are mixed together homogeneously ठीक है, then they form an alloy, ठीक है। इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे ब्रास ठीक है, ब्रोंज, जर्मन ठीक है, ये एग्जाम्पल होते हैं इनके ठीक है। इनमें भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशनल मिक्सिंग करते हैं, क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशनल मिक्सिंग क्या होता है, देखो सिंपल से बात है, यहाँ लगे मैं आपको सॉलिड स्टेट में पढ़ाऊँ डिटेल में, बट फिलहाल क्योंकि यहाँ पे आए इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ। सॉलिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अब क्या होगा, इनके रेगुलर एटम को छोड़ के कोई फॉरेन एटम यहाँ पे क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ये फॉरेन एटम क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। लेकिन ये तभी हो सकता है जब दो सॉलिड के साइज क्या हो, साइज क्या होना चाहिए, दो सॉलिड जिनको आप मिक्स कर रहे हो उनका साइज क्या होना चाहिए सेम। जैसे कॉपर और जिंक को जब आप मिक्स करोगे तो वो क्या बनाता है, ब्रास तांबा बनाता है कॉपर जिंक मिला के। तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक के अंदर कॉपर के अंदर क्या हो जाएगा, जिंक दो चार जिंक एटम क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशनल मिक्सिंग बोलते हैं ठीक है। दूसरा होता है इंटरस्टीशियल, क्या होता है इंटरस्टीशियल। इंटरस्टीशियल में क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए सॉलिड का एटम है पैक, हाईली क्लोजली पैक्ड एटम होते हैं, ये आपको भी पता है ठीक है, हाईली क्लोज पैक्ड होते हैं सॉलिड वाले ठीक है। इनके जो जो एम्प्टी स्पेस होता है ना, ये एम्प्टी स्पेस, इस एम्प्टी स्पेस में कोई दूसरा फॉरेन एटम आके प्रेजेंट हो जाता है ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टीशियल मिक्सिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, इंटरस्टीशियल मिक्सिंग। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है स्टील। स्टील किसका मिक्सअप होता है, आयरन और कार्बन का। तो आयरन के रेगुलर साइड में क्या होता है, उनके इंटरस्टीशियल वॉइड में क्या चला जाता है, कार्बन एटम चला जाता है। और इस तरीके से स्टील को क्या मिलता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलता है, एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी मिलता है, एक्स्ट्रा टेंसाइल भी हो जाता है वो, तो इसलिए स्टील ज़्यादा महंगा भी पड़ता है ठीक है। सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल है मेरा सॉलिड इन लिक्विड ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल मेरा हमें क्या, सॉलिड इन लिक्विड का सिंपल सा डेफिनेशन बोलो, व्हेन सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, when solid dissolves in liquid in 100 and amount of solid dissolves in 100 gram of water
डिसॉल्व हो सकता है, मैक्सिमम अमाउंट में जो सॉल्ट डिसॉल्व होगा उस सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, और जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेट, जो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था। अब क्या होता है, कोई भी सॉल्ट डिसॉल्व होगा नहीं, वो किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो सिर्फ दो ही बातों पर डिपेंड करता है, पहला एडिशन एनर्जी पर डिपेंड करता है, दूसरा लैटिशन एनर्जी पर डिपेंड करता है, जो हमने केमिकल बॉडी को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो इन ये किस बात पर डिपेंड, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी किसका मेजरमेंट होता है, हाइड्रेशन एनर्जी जो मेजरमेंट होता है वो कितना हाइड्रेशन, मतलब जो चीज़ डिसॉल्व करने के बाद जितनी एनर्जी रिलीज करती है, डिसॉल्व करने के बाद अगर जो वाटर एनर्जी रिलीज करेगा उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, और जो भी सब्सटेंस मेरा कोई शेप बना रहा है और उस शेप बनाने में जो एनर्जी को रिलीज किया वो लैटिस एनर्जी होती है, ठीक है। अब अगर आपने क्या किया, पानी में नमक डालो, एक कंटेनर पानी लो उसमें नमक डालो, एक कंटेनर पानी लो उसमें चौक डालो, तो पानी वाले नमक में, नमक वाले पानी में क्या हो जाता है, नमक इजीली डिसॉल्व हो जाता है, क्यों, क्योंकि उस केस में वाटर की हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, लैटिस एनर्जी के NaCl NaCl का अपना शेप होता है, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, देखो उनका अपना शेप होता है, क्यूब टाइप का शेप होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि उस केस में वाटर का हाइड्रेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है लैटिस एनर्जी से। लेकिन अगर मैं किसी पानी में मैंने चौक मिक्स किया तो चौक एज इट इज़ रहेगा, क्यों रहेगा, उसे एक रीज़न है, क्योंकि चौक का जो लैटिस एनर्जी वो काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब पानी उसको तोड़ नहीं पाता, जब पानी उसको तोड़ नहीं पाएगा तो वो चीज़ डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। तो अगर मान लो हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर है, लैटिस एनर्जी रहेगा तो सब्सटेंस क्या रहेगा, सॉल्युबल रहेगा उसके इसमें, और अगर मान लो हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से क्या छोटी होती है तो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, इसके क्या होता है भैया, इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, यहाँ की आपको बात समझ में। अब फैक्टर अफेक्टिंग, छोटा सा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्यू, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी सिंपल सा ये है, इसका सिंपल सा ये
स्टेटमेंट था भाई, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी उसके ऊपर डिपेंड करती है कि उसका कितना हाईएस्ट प्रेशर कितना होगा, या आप ऐसा बोल सकते हो कि जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी उस गैस की ज्यादा रहेगी उस पानी के अंदर या उस लिक्विड के अंदर। ठीक है, यही सिंपल सी बात समझ में समझाता है। तो मैं लिख देता हूं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड एट अ गिवन टेंपरेचर, एट अ गिवन टेंपरेचर, एट अ गिवन टेंपरेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट विच, प्रेशर एट विच, प्रेशर एट विच इट इज डिसॉल्व, इट इज डिसॉल्व। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर पी मेरा क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है और एक्स क्या है मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, मैं फिर से बोल रहा हूँ एक्स यहाँ पे पूरे चैप्टर में एक्स मतलब क्या भाई सॉल्यूशन में या किसी लिक्विड में उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, तो उसका ये मानना है जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा गैस का लिक्विड के अंदर। तो अगर पी को हटाओगे तो ये के एच इंटू एक्स होता है, क्या होता है के एच इंटू एक्स। अब ये के एच को हम क्या बोलते हैं, where KH is known as, where KH is known as Henry's constant, क्या बोलते हैं इसको Henry's constant, और इस constant का भी एक अपना meaning है। ठीक है, इसका क्या meaning है, इसकी कुछ characteristics है, तो ये आपको समझ में आए कि भाई जितना ज़्यादा pressure लगाओगे उतना ज़्यादा gas क्या होता है dissolve होता है, इसलिए क्या होता है cold drink है जो gas dissolve होता है highly pressure पे उसको dissolve किया जाता है। यही बात समझ में, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूँ characteristics, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के एच। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के एच का क्या क्या है, पहला है अगर एक्स की वैल्यू वन रखिए तो के एच इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर, मतलब मैं बोल सकता हूँ के एच का जो यूनिट होगा वो सेम होगा प्रेशर के जैसे। तो पहला यूनिट क्या है, के एच हैव सेम यूनिट एज प्रेशर, प्रेशर का यूनिट होगा वही के एच का यूनिट होगा। सेकेंड क्या हो सकता है इसका, सेकेंड का एग्जाम्पल होगा, सेकेंड टाइप है डिफरेंट डिफरेंट गैस का डिफरेंट डिफरेंट के एच वैल्यू होता है। ठीक है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के एच, डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट वैल्यू ऑफ के एच होता है। देखो तीसरा और भी इम्पोर्टेंट है, अगर आपने एक ही गैस लिया लेकिन उसको डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड में डिजॉल्व किया तो भी के एच क्या होगा डिफरेंट, मतलब एक पर्टिकुलर गैस का एक पर्टिकुलर लिक्विड के लिए ही पर्टिकुलर के एच वैल्यू होता है। अगर आपने सेम गैस लिया लेकिन लिक्विड दूसरा ले लिया तो के एच की वैल्यू भी क्या होती है दूसरी हो जाती है। के एच वैल्यू फॉर अ गिवन गैस, इसे कहते हैं के एच वैल्यू फॉर अ गिवन गैस इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट, इज डिफरेंट in different solvent, एज इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट एंड इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और क्या होता है एंड इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, टेम्परेचर बढ़ाने में केज की वैल्यू बढ़ती है, तो समझना। अभी मैंने आपको बोला आप जब कोल्ड ड्रिंक गर्म पीते हो और एक कोल्ड ड्रिंक ठंडा पीते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट आपको किस में आता है, ऑब्वियस बात है गर्म में आता है, ठंडे में नहीं आता, राइट, ठंडे में कभी आ ही नहीं सकता है। तो क्या होता है, तो जब इसका मतलब जो जैसे के एच की वैल्यू बढ़ी, किसी गैस की के एच की वैल्यू ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा सॉल्यूशन का, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी उसकी गैस की लिक्विड के अंदर क्या होगी कम होगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जितना ज़्यादा के एच का वैल्यू ज़्यादा रहेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस उतनी कम रहेगी। क्यों कम रहेगी, अगर के एच का वैल्यू ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाती है घट जाती है। इसलिए गर्म कोल्ड ड्रिंक और ठंडा कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ के एच ऑफ ए गैस, चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, हायर इज द वैल्यू ऑफ के एच लोअर विल बी, सॉरी
सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होती है उतनी ही कम हो जाती है। ये बात समझ में, ठीक है, दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अगर इनके ग्राफ की बात करो तो ग्राफ कैसा होता है, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, जैसे स्लोप क्या रहेगा y बराबर mx, स्लोप क्या रहेगा dx रहेगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बता दीजिएगा। सपोज करो m बेस कांस्टेंट kh, ठीक है, फॉर n2 गैस kh, मतलब kh एंड इस कांस्टेंट kh को दिया हुआ है 10 का पावर 5 केटीएम, कितना दिया हुआ 10 का पावर 5 केटीएम। ठीक है, अगर हम बात करो और उसमें क्या दिया हुआ, एयर में जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन इन एयर वो कितना दिया हुआ 0.8 दिया हुआ आपको। ठीक है, बोल क्या रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन टू, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन टू फ्रॉम एयर, फ्रॉम एयर डिजॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर, डिजॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, डिजॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर at 298 Kelvin, 298 Kelvin and 5 atm pressure। ठीक बेटा, ये 5 atm pressure किसका, टोटल प्रेशर है एयर का। ठीक है, कहने का मतलब जैसा क्या, इस क्वेश्चन को समझने का मीनिंग क्या भाई, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ नाइट्रोजन का, सपोज करो इस कमरे में कोई एयर है, ठीक है, इस एयर में मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का आपको पता है, मैंने क्या किया 10 मोल पानी इसमें बिखेर दिए, तो उसमें पूछा कि 10 मोल पानी के अंदर कितना एयर में से वो एंड क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। तो सिंपल सा बात था, तो मुझे फॉर्मूला तो अभी भी क्या निकालना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू kh into x, तो पहले मैं क्या करता हूं, पार्शियल प्रेशर निकाल देता हूं एंड का, एंड का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, एंड का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन कितना है एयर का 0.8 और टोटल प्रेशर कितना है 5, तो कितना हो जाएगा मेरा 4, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एंड इक्वल टू क्या होगा kh into x हो जाएगा, ये 4 दिया हुआ, ये 10 का पावर 4 5 दिया into x, व्हाट इज द x वैल्यू 4 into 10 का पावर -5। ठीक है, ये करेक्ट था, ये आंसर करेक्ट था। ठीक है, मतलब मदद करेक्ट चाहिए था, और ये क्वेश्चन पता बेटा, ये क्वेश्चन आपका जेई में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन कितना ट्रिकी, जेई मेंस का क्वेश्चन है ये, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बनाया था उन्होंने, कि भैया जो ये हम 10 मोल दिया ना बच्चा, इस बात को नेगलेक्ट कर दिया कि भैया टोटल मेरे 10 मोल है, इसका मतलब ये जो 4 into 10 to minus 5 moles of N2, इसका मतलब ऊपर में क्या लिखूंगा moles of N2 divided by 1, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन का टोटल मोल्स कितना होता है 1 होता है, टोटल मोल्स हमेशा क्या रहेगा 1, तभी तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना है 4 into 10 to minus 5, तो 1 plus 4 into 10 to minus 5 का कर भी देते हो तो ये बात तो लगने कर सकते हो, टोटल टोटल मोल्स वाटर का कितना दिया आपने 1, मतलब यहाँ पे जो भी आप x लेते हैं बेटा, ये x में जो हम n टोटल लेते हैं हमेशा वो कितना होता है 1, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन का टोटल मोल्स कितना होता है 1 होता है, उसी में से हम क्या करते हैं सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, बराबर। तो ये वही कहने का मतलब था भाई, एक्चुअली आंसर आना चाहिए था ये, लेकिन तब जब उसने 1 मोल पूछा था, उसने क्या पूछा 10 मोल, तो टोटल मोल्स ऑफ कितने हो जाएंगे नाइट्रोजन के, टोटल मोल्स ऑफ N2 हो जाएंगे 4 into 10 raise to 1 mole, 4 into 10 raise to minus 5 raise to 10 के कितने होंगे 4 into 10 raise to minus 4, तो दिस वाज योर एक्जेक्ट आंसर, इसका मीनिंग ही वही था कि 10 मोल हमने मल्टीप्लाई करना था निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, अब हम कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं। ठीक है, यहाँ तो आपका मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो गया, इससे ज़्यादा हाई लेवल कभी नीट में जाएगा नहीं। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कशन करते हैं इनके ऊपर। ठीक है, हेनरीज लॉ का अपना एक लिमिटेशन होता है बेटा। ठीक है, आप कभी भी हेनरीज लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो अब मैं अब कभी कभी नीट में क्या होता है डायरेक्ट कंडीशन में पूछ लेता भाई, किस कंडीशन में हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, तो वो भी देख लेते हैं। चलो ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, लिमिटेशन क्या होता है भाई, वो प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा हाई रहा तो भी गैस मेरे क्या होता है डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो
शुड नॉट टू लो। अगर बहुत ज्यादा आप लो टेम्परेचर पे भी गैस को डिसॉल्व करेंगे तो भी गैस डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या है, गैस शुड नॉट बी हाईली सॉल्युबल, गैस शुड नॉट बी हाईली सॉल्युबल। देखो अगर ज्यादा हाईली सॉल्युबल हो गया तो गैस क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा वाटर के साथ। तो भी मेरा आपका गैस क्या होना चाहिए, गैस गैस के फॉर्म में ही रहना चाहिए सॉल्यूशन में। इसलिए आप कोल्ड ड्रिंक, अगर कोल्ड ड्रिंक जब आप खोलते हो तो देखो थोड़ा गैस निकल जाता है। गैस कैसे निकलता है, आप कोल्ड ड्रिंक में नमक डाल दो, नमक डालोगे तो तुरंत बुलबुले उठने लगेंगे, बुलबुले बाहर निकलने। वो बुलबुले किसके होते हैं, दैट इज वो बुलबुले किसके होते हैं, CO2 के होते हैं। वो देखो आप झाग पूरा बाहर निकल जाता है, वो CO2 के फॉर्म में पूरा बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो जो कोल्ड ड्रिंक होता है वो भी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या डेफिनेशन है भाई, एक पर्टिकुलर अमाउंट में पर्टिकुलर सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो। अब भाई मान लो 100 ml का कोल्ड ड्रिंक है तो मैं ऐसा मानता हूँ 50 ग्राम भी गैस उसमें डिसॉल्व हो सकता है। लेकिन मान लो अगर आपने 20 ग्राम नमक डाल दिया तो बचा कुछ 20 ग्राम जो, क्योंकि सॉल्यूट तो एक बार अगर आपने नमक डाला तो नमक तो क्या सॉलिड फॉर्म का है, वो तो बाहर नहीं जा सकता, एक बार डिसॉल्व एक बार अंदर चला गया। लेकिन उसकी जगह पे क्या करेगा, वो गैस को बाहर निकाल देता है। दैट इज वाई क्या कहते हैं, गैस बुलबुले के फॉर्म में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक के फॉर्म कोल्ड ड्रिंक में बाहर निकलने लगता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चौथा क्या है, कंडीशन होता है गैस शुड नॉट रिएक्ट विद, गैस शुड नॉट रिएक्ट विद लिक्विड, गैस शुड नॉट रिएक्ट विद लिक्विड और नाइदर इट एसोसिएट्स नॉर डिसोसिएट, ना ही इनका एसोसिएशन होना चाहिए और ना ही डिसोसिएशन होना चाहिए। गैस सिर्फ गैस के फॉर्म में रहना चाहिए, तभी हैंडल्स को क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। इनका एप्लीकेशन वगैरह मैं बता देता हूँ, ठीक है, वो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, आपको जरूरत भी नहीं है, बट इनको याद रखिएगा। देखो क्या होता है, जब गर्मी होती है ना तो नदी में आप देखना, तो नदी के ऊपर सतह में देखो आपको मछली कभी नहीं मिले, मछली हमेशा आपको नीचे सतह में मिले। क्यों, क्योंकि जब गर्मी रहती है तो अपर लेयर जो पानी होता है वो काफ़ी गर्म होता है। और अभी मैंने आपको बोला अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो हेनरिस कॉन्स्टेंट की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, और हेनरिस कॉन्स्टेंट की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब नदी में गर्म पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वो अनकंफर्टेबल मतलब उस केस में फिर एक्वाटिक एनिमल्स क्या होता है, सांस नहीं ले पाएंगे। इसलिए वो क्या कहते हैं, नदी के नीचे सतह में जाते हैं, क्योंकि उस जगह पानी ठंडा रहता है और ऑक्सीजन की मात्रा सफिशिएंट रहती है। इसलिए क्या होता है, एक्वाटिक एनिमल क्या होते हैं, कोल्ड वाटर में ज़्यादा सर्वाइव कर पाते अच्छे से एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आपका कोल्ड ड्रिंक हो ही चुका है भाई, गर्म कोल्ड ड्रिंक आप नहीं पी पाते, ठंडे कोल्ड ड्रिंक को इसलिए पी सकते हो। तीसरा एग्जाम्पल क्या होता है, जो आपने देखा होगा जेट जेट प्लेन होता है, तो जेट प्लेन क्या होता है, बहुत हाई एल्टीट्यूड में उड़ता है, हाई एल्टीट्यूड प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, एयर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए वो एक मास्क पहने रखता है। देखो वो मास्क क्या काम करता है, एक तो कम्युनिकेशन का भी काम करता है, दूसरा क्या काम करता है, वो ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हो कि जो लोग पहाड़ियों पर रहते हैं उनका दिमाग की क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड के रहने की वजह से एयर में ऑक्सीजन की मात्रा क्या कम होती है। तो जब एयर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो उनके ब्लड में भी ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। इस वजह से उनके दिमाग की क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो आप इन सबको हेल्थ स्कोर से भी क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा है इनविजिबल लिक्विड, इनमिसिबल लिक्विड क्या होता है भाई, ऐसा लिक्विड जो आपस में डिसॉल्व नहीं होता, आपस में मिक्स नहीं होता, उनको हम इनमिसिबल। तो अब तक हमने जितने भी वेपर रॉल्स वगैरह लगाए तो किनके लिए, इनमिसिबल लिक्विड के लिए, मतलब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिक्स करते थे तो टोटल प्रेशर क्या होता था, पी ए प्लस पी बी, मतलब पी नॉट एन टू एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अगर लिक्विड मिक्स ही नहीं किया तो उनको हम क्या बोलेंगे, इनमिसिबल, मतलब जैसे ऑयल और वाटर, ऑयल वाटर का जो सॉल्यूशन होता है क्या होता है, इनमिसिबल। पानी ऑयल ऊपर है और वाटर हमेशा नीचे है, कभी भी मिक्स नहीं कर सकते। इन टाइप के लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, इनमिसिबल। तो दिस टाइप ऑफ लिक्विड विल नॉट मिक्स, दिस टाइप ऑफ लिक्विड विल नॉट मिक्स, दिस टाइप ऑफ लिक्विड विल नॉट मिक्स विथ ईच अदर एंड इट इज यूज विथ ईच अदर एंड इट इज यूज टू रिमूव इम्प्योरिटी, इट इज यूज टू रिमूव इम्प्योरिटीज ऑर्गेनिक लिक्विड।
मतलब क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनिक लिक्विड की इंप्योरिटी हटानी हो तो आप उसको क्या करें, इमिसिबल लिक्विड बना दो। तो इमिसिबल लिक्विड क्या करेगा, जो भी पार्ट जो उसका इंप्योरिटी को ऊपर आ जाएगा और पूरा प्योर लिक्विड नीचे आ जाएगा, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं उनकी इंप्योरिटी हटा सकते हैं। तो मुझे पता होता है एस, क्योंकि हमें पता है पी टोटल बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, या हमने रॉस लॉ से भी पढ़ा था। अगर दो लिक्विड को आप मिक्स करें तो नोडल प्रेशर उनके पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है, वेपर प्रेशर के। पी ए बराबर क्या होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, लेकिन क्योंकि मेरा लिक्विड तो प्योर है भैया, वो तो मिक्स ही नहीं होता, एक्स ए की वैल्यू वन, तो क्या होगा पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा। और अगर पी बी की बात करूँ तो पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और ये भी तो मिक्स नहीं होता, वो नहीं मिक्स होता, ये भी नहीं मिक्स, उसका एक्स ए वन होगा, इसका भी एक्स बी क्या होगा वन होगा, तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा पी नॉट बी। अगर पी टोटल की बात करूँ तो पी नॉट ए इंटू क्या प्लस पी नॉट बी। अब आप यहाँ से ऑब्जर्व करो कि इनमिसिबल लिक्विड के लिए जो है मेरा वो वेपर टोटल वेपर प्रेशर क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, टोटल वेपर प्रेशर क्या हो चुका है, बढ़ चुका है ना। अगर वेपर प्रेशर बढ़ चुका है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है। तो याद रखना इनमिसिबल लिक्विड बॉइल हमेशा क्या होता है, देखो आपने ऑब्जर्व किया अगर टोटल प्रेशर होता है वो पी नॉट ए से बी से ज़्यादा होता है, पी नॉट ए से कम होता है, ये लेकिन किसके लिए होता है, ये इनमिसिबल लिक्विड के लिए होता है। किसके लिए एप्लीकेबल होता है, इनमिसिबल लिक्विड के लिए। इनका जो भी टोटल वेपर प्रेशर होता है, जो लो वोलेटाइल होता है उससे कम हो, उससे तो ज़्यादा रहता है, हाई वोलेटाइल वाले से वेपर प्रेशर से क्या होता है कम होता है, मिसिबल लिक्विड होता है। लेकिन इमिसिबल का कहाँ उल्टा ही होता है, क्योंकि दोनों का भाई दोनों मिक्स ही नहीं किया तो दोनों के दोनों पूरे इवोपरेट करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, टोटल प्रेशर मेरा क्या होगा, ज़्यादा होगा इंडिविजुअल से। और जब टोटल प्रेशर मेरे इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट के वेपर प्रेशर से टोटल वेपर प्रेशर मेरा ज़्यादा हो गया, इसका मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब ये बहुत इनके भी बॉइलिंग पॉइंट से कम के टेम्परेचर में क्या कर जाते हैं, बॉइल कर जाते हैं। तो सिंस टोटल वेपर प्रेशर इज हाई, देन बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर, देन बीपी इज लोअर, 5 मिनट को बस बोला, BP is lower, that is immiscible, if that is immiscible liquid boils at lower temperature, boils at lower temperature which is smaller than, which is smaller than individual बाकी नेक्स्ट वीक हम केमिकल काइनेटिक्स चालू करेंगे, ठीक है।